सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिए हुए घंटे को जरूर दबाएं, जिससे आपको सारी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube ने जो नया फीचर्स स्टार्ट किया है, जैसे स्टोरी टैब का। जैसे आप फेसबुक अगर चलाते हैं तो उसमें स्टोरी टैब होता है, तो वैसे ही यूट्यूब ने भी स्टार्ट कर रखा है। तो काफ़ी सारे क्रिएटर्स को आपने देखा होगा स्टोरी टैब। जब भी आप मोबाइल में यूट्यूब वीडियो सर्च करते हैं या स्वाइप करते हैं ऊपर से नीचे तक, बीच में गोल गोल काफ़ी सारे क्रिएटर्स लाइन से आने लगते हैं, और जब आप उस पर स्क्रॉल करते हैं तो काफ़ी सारे क्रिएटर दिखाई देते हैं। उसके ऊपर टच करने पर उन्होंने जो भी फोटो पोस्ट की हुई होती है वो आपको दिखाई देती है। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है। ये अगर आपके यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो किस तरह से आएगा और कैसे एक्टिवेट करना है इसको, ये चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा सभी का, ये एक्टिवेट हो जाएगा अगर ये प्रोसेस सभी ने देखा तो। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस तरह आप अपना जो यूट्यूब चैनल है इस तरह से खोलेंगे और आपको जो है इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहीं पर जब स्क्रॉल करते हैं तो आपको स्टोरी टैब दिखाई देता है। तो यहाँ से अपने चैनल के अंदर चले जाएंगे। माय चैनल में मैं जाता हूँ, मैंने अपना चैनल खुद खोल रखा है तो माय चैनल में जाता हूँ, क्योंकि मेरे 10,000 से सब्सक्राइबर ज़्यादा हो चुके हैं फिर भी मुझे स्टोरी टैब नहीं मिला। स्टोरी टैब यहाँ कम्युनिटी प्लेलिस्ट के बीच में ही रहता है, कम्युनिटी प्लेलिस्ट और अबाउट के बीच में ही स्टोरी टैब रहता है, और मुझे कम्युनिटी टैब मिल गया है पहले से ही और मैं बीच बीच में पोस्ट डालता रहता हूँ। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, यही प्रोसेस मैं इसमें बताने वाला हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे लोगों को अपने आप मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे तीन बिंदियाँ हैं, यहाँ हेल्प एंड फीडबैक में जाएंगे। यहाँ से ईमेल का ऑप्शन है, ईमेल पे क्लिक करना है। आपको अलग से ईमेल नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे मैसेज लिखिए और वो आपका पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, यहाँ चैनल यूआरएल डाल दीजिए, चैनल का जो भी एड्रेस, यानी जब भी आप चैनल आपका फ्रंट कोई देखता है पहली बार खोलता है तो जो एड्रेस बार में जो एड्रेस होता है जो वही आपका चैनल यूआरएल होता है, उसको कॉपी कर लीजिए। अगर मोबाइल में नहीं होता तो कंप्यूटर से कॉपी कर लीजिए या गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर से कॉपी कर लीजिए चैनल खोल के, और वहाँ पे टाइप करने के बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे मैसेज लिखिए जो आपको कहना है गूगल, जो आपको कहना है यूट्यूब की टीम से। आप यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे मैं अब लिख रहा हूँ कि आई हैव मोर देन 10,000 सब्सक्राइबर बट आई नॉट गेट स्टोरी टैब टिल नाउ, प्लीज़ एक्टिवेट माई स्टोरी टैब। ये वाला मैसेज टाइप कर देना, अपने अपने हिसाब से मैसेज करना है, बता देना। जैसे आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। मैसेज टाइप करने के बाद मैसेज की एक लिमिट है, 1,000 वर्ड तक यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सभी में नो नो कर देना है और सबसे ऊपर ये नीला सा निशान दिखाई दे रहा है सेंड का, इस पर क्लिक कर देना। ये देखिए ये चीज़ दिखाई देगी, तो सबसे नीचे वाली पॉलिसी आपको क्लिक करनी है और सारी चीज़ें इसी तरह से करिए और इसे सेंड कर दीजिए। वैसे मैंने कुछ लिखा नहीं है तो इसलिए मैं सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सेंड कर चुका हूँ लेकिन उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा कैसे एक्टिवेट हुआ। तो यहाँ से ऐसे कर देंगे, रिफ्रेश कर लेना है इसको। कुछ दिनों के बाद आपको मैसेज भी मिल जाएगा, ईमेल मैसेज जो मुझे आ गया है, मैं अभी आपको मैसेज दिखा देता हूँ। ये वाला ईमेल है जो YouTube की टीम से मिला है मुझे। आपने जिस मेल आईडी से अपना YouTube अकाउंट बना रखा है वही मेल आता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो सभी को स्टोरी टैब दे रहे हैं जिनके 10,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। स्टोरी टैब के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। वो लोग सभी को बिना पूछे दे रहे हैं, बिना मेल किए हुए दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को देर लग रही है, उसमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तो वो लोग जल्दी से जल्दी देंगे। ये चीज़ इस मैसेज में लिखा हुआ है ईमेल में।
चलिए दोबारा से मैं चेक करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जाना पड़ता है, ट्रेंडिंग पे क्लिक कीजिए और सबसे ऊपर की तरफ एक कैमरे का सिंबल बन रहा होगा, प्लस का निशान होगा, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरी का टैब दिख रहा है और जिसका ये चीज़ नहीं अलॉटमेंट होता उसका नहीं दिखता, लेकिन ये आपको दिखेगा। तो पहली बार कोई भी फ़ोटो खींच के आपको डालनी पड़ेगी स्टोरी टैब में, तभी आपका अगली बार से कम्युनिटी टैब के बगल में स्टोरी टैब दिखाई देगा। तो यहाँ मैंने एक फ़ोटो खींच लिया है, एक स्मार्ट वॉच है जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था। यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट हैं जो रिलेटेड टू यूट्यूब चैनल हैं और वो आप अपने फ़ोटो पर लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं फ़ोटो को, तरह तरह के कमेंट्स आए कुछ भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप फ़ोटो पोस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि फेसबुक और सभी पे होता है 24 घंटे के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, जैसे व्हाट्सएप पे भी होता है स्टोरी टैब 24 घंटे के लिए होता है, लेकिन इसमें कोई घंटे का वो नहीं है, काफ़ी देर तक रह जाता है स्टोरी। और मैं पहली बार कर रहा हूँ अभी, तो ये मैंने एक मैसेज कर लिया और यहाँ पर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टोरी टैब के लिए वो है 10,000 सब्सक्राइबर, यानी आपके 10,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा है और बहुत सारी वीडियो मैंने देखी थी जिसमें बता रहे थे कि 1,000 सब्सक्राइबर होंगे तो स्टोरी टैब मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी वीडियो झूठी हैं। 10,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मैंने आपको मेल भी दिखाया था, मेल में भी ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये मेरे स्टोरी टैब आ गया, देखिए टैक एंड सोशल का है, इस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब कर रखा, तो इस तरह का दिखाएगा स्टोरी टैब। यहाँ से आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं भी देख सकता हूँ कितने लोगों ने मेरा ये स्टोरी टैब देखा, लेकिन मैं ये पता नहीं लगा सकता किस किस ने देखा, बस नंबर पता लगा सकता हूँ कि 50 लोगों ने देखा, 1,000 लोगों ने देखा, 10,000 लोगों ने देखा। वहाँ से कोई भी अगर मुझे कमेंट करेगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर पाऊँगा यहाँ से। तो इस तरह से स्टोरी टैब मिल जाता है, और अगर चेक करेंगे आप जाके चैनल में तो कम्युनिटी के बगल में स्टोरी टैब का ऑप्शन आ गया होगा। पहली बार एक फ़ोटो तो आपको खुद से अपलोड करनी पड़ती है, ये प्लस का जो निशान है वहाँ से, और दूसरी बार ये आपके चैनल पर दिखाई देने लगता है। ये देखिए प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, स्टोरी, स्टोरीज, चैनल, अबाउट, तो यहाँ पे आ गया ये, और ये जो मैंने फ़ोटो पोस्ट करी थी वो भी दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और लाइक ज़रूर करिए, लाइक के कोई पैसे नहीं लगते। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा, घंटी के बटन, उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।